संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीधी में सीएम शिवराज ने विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन एवं लोकार्पण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शुक्रवार को द्वारा ग्राम लहिया जिला सीधी में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। दरअसल सीएम शिवराज ने यहां 143 करोड़ 43 लाख लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 241 करोड़ 46 लाख लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आज सबसे पहले मैं अपनी बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं। जहां विशाल संख्या में यहां बहनें बैठी हैं, उनके हाथ में धन्यवाद की तख्तियां हैं। ये बहनें मुख्यमंत्री बहना योजना के बारे में अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हैं। ये मातृशक्ति है। आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है। मैं आज यहाँ अपने दिल की बात आपसे करने आया हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है। आधी आबादी महिलाओं की, बेटियों की, कई बार मन में तकलीफ होती है कि इनको भी पूरा न्याय नहीं मिला। लेकिन अब मेरी बहनों, तुम्हें हक देने, तुम्हें अधिकार देने, तुम्हें सशक्त बनाने एक योजना और मेरी आत्मा के दर्द से निकली है, और वो योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हमने तय किया है, हर बहन को, और बहन कौन सी सुन लो, एक सब गरीब बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक है, दूसरे 5 एकड़ तक के किसान परिवार में जो बहनें शामिल है, वो बहनें जिनका परिवार इनकम टैक्स नहीं देता, ऐसी बहनें जो गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय है, उन सब बहनों के खाते में ये भैया 1,000 रुपया महीना भेजेगा। 1,000 रुपया महीना। 5 मार्च के दिन हमारी मातृशक्ति का सम्मेलन होगा। मैं भोपाल में, कई बहनें आएंगे, उनके बीच में बोलूंगा, लेकिन वहां से हम हर पंचायत में जुड़ेंगे, हर वार्ड में जुड़ेंगे, हर जगह बहनें इकट्ठी होंगी, और उस दिन से एक साधारण फार्म छपेगा। वो फार्म भरा जाएगा, उसमें कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं रहेगी, नाम, पति का नाम फलाना, और आय लिखनी पड़ेगी, वार्षिक आय। उसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आप स्वघोषित आय होगी कि हमारी आमदनी इतनी है। और ये काम भी कौन करवाएंगी, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी बहनें भी करवाएंगी। अब ये मार्च और अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में पूरी एक बार छानबीन हो जाएगी, और जून के महीने से पैसा बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा, हर महीने आएगा। मैं आज कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये संकल्प है शिव संकल्प, के रहने की जमीन का टुकड़ा पट्टा दे के मालिक बना के मैं उपलब्ध कराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराए। क्रांति का शंखनाद है ये। वर्षों से जो हक नहीं दिए गए, जो अधिकार नहीं दिए गए, अरे एक तरफ हम सैकड़ों एकड़ जमीन उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए देते हैं, कई लोगों के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि उन्हीं को पता नहीं कि उनके पास कितनी है, तो गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा तो दे दो भाई, ये वैधानिक अधिकार देंगे।